सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मेरा नाम मनीष है एंड आप देख रहे हैं टेक्टोन बीएसएफ ट्रेडमेंट रिजल्ट 2022। जी हाँ, बीएसएफ का रिजल्ट कब आएगा, बीएसएफ ट्रेडमेंट का। कहीं ना कहीं आप जरूर सोच रहे होंगे, अगर आपका परीक्षा हुआ होगा, चार दिसंबर को परीक्षा हुआ था, अगर आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता है कि आपको आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो किस दिन आपका रिजल्ट आएगा एंड आपका मेडिकल डेट क्या है, आपका मेडिकल कब होगा, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है 2022 में 2788 पद के लिए बीएसएफ ट्रेडमेंट का वैकेंसी निकाला गया था, जिसका एग्जाम 4 दिसंबर को हुआ था। एंड 4 दिसंबर को एग्जाम जो हुआ था वो ओएमआर सीट पे ऑफलाइन एग्जाम होने के बाद आपको ना तो अभी तक आंसर किया आया है और ना ही आपका रिजल्ट आया है, ना ही आपका मेडिकल का डेट आया है। बट मेडिकल का डेट आ गया है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपका मेडिकल जो होगा वो 17 फरवरी से होगा, 17 फरवरी 2023 में आपका जो है 2023 में 17 फरवरी से आपका मेडिकल होगा, जो कि आपका एडमिट कार्ड इसका जारी किया जाएगा। फरवरी में ही आपका जारी किया जाएगा ऑनलाइन डाउनलोड करके आप जो है मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप जो है ट्रेडमेंट के जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप पास हुएंगे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका रिजल्ट अभी इसलिए डिले किया जा रहा है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट से पहले आपका जो आंसर की जारी किया जाएगा, एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की जारी किया जाएगा, उसमें आप अपना जो मिलाइएगा उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपको कितना नंबर आया है। दोस्तों आपको पता है, आप जब एग्जाम दिए होंगे तो आपको जो वहाँ पर एक कार्बन कॉपी मिला होगा, ओमेर सीट का कार्बन कॉपी वो आपको मिला होगा, जिसमें आपको पता होगा कि आप कौन सा क्वेश्चन का क्या नंबर, मतलब क्या जवाब दिए हैं। तो जैसे आंसर की जारी किया जाता है तो आप अपने से जो है चेकआउट कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा कि किसका किसका जो है रिजल्ट बना है। एंड जिसका जिसका रिजल्ट बनेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, उसके लिए जो है मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो फरवरी में जारी किया जाएगा। अब बात आती है कि जो मेन मुद्दा आ गया है वो आंसर की पे आ गया है, तो आंसर की कब जारी किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आंसर की अभी तक जो है बीएसएफ की तरफ से जारी कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है बीएसएफ में वो एक महीने के आसपास आपका जो है जारी कर देते हैं, लेकिन अभी तक लगभग एक महीना होने वाला है लेकिन अभी तक जारी नहीं किए हैं। चार जनवरी को आपका एक महीने पूर जाएगा, तो आप मैं भी सोच लीजिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आंसर की को जो मिला लीजिएगा अपने कार्बन कॉपी वाले जो ओमेर सीट होगा उसमें मिला लीजिएगा, उसके बाद श्योर हो जाइएगा कि कितना आपको जो नंबर आया है। और जो आंसर की जारी किया जाएगा उसी में आपका कट ऑफ वगैरह जारी कर दिया जाएगा, तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट बना है या नहीं बना है। तो मेन पॉइंट यही है कि आपका जो रिजल्ट, या आप बोल सकते हैं आंसर की, या बोल सकते हैं आपका जो सारा डिटेल और आपका जो है कट ऑफ वगैरह, वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी दिन आपका जारी कर दिया जाएगा। जैसे जारी किया जाएगा आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।